नागौर में दलित युवक की पिटाई का मामला शून्यकाल के दौरान सदन में गूंजा। शून्यकाल में पर्ची के माध्यम से आरएलपी विधायक नारायण बेनीवाल, पुखराज गर्ग, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने इस मामले को सदन में उठाया। साथ ही सरकार की ओर से की गई कार्रवाई के संबंध में जवाब रखने की भी मांग की। वहीं जवाब नहीं मिलने के बाद बीजेपी और आरएलपी विधायक ने सदन से वॉकआउट किया। इसके अलावा आरएलपी विधायक कुछ देर तक वैल में धरने पर बैठे रहे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने विधायकों को चैम्बर में आकर बातचीत करने का आश्वासन दिया। हालांकि सदन में नागौर प्रकरण को लेकर हुए हंगामे के बाद सरकार की ओर से जल्द इस मामले में जवाब दिए जाने की संभावना है।